नमस्कार फैंस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोजिम Q4 कैप्सूल के फायदे, खुराक, दुष्प्रभाव और सावधानी के बारे में। कोजिम Q4 कैप्सूल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवा है। ये दवा का निर्माता है सेलेवन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। कोजिम Q4 कैप्सूल एक पोषण पूरक है जो पोषक तत्वों की कमी का इलाज करता है और शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करता है। इसमें कोएंजाइम Q10, एल-आर्जिनिन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और सेलेनियम डाइऑक्साइड शामिल हैं। कोएंजाइम Q10 एक पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह मधुमेह में रक्त शर्करा नियंत्रण में भी सुधार करता है। ये शरीर को वसा से ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है और डायलिसिस पर गुर्दे की बीमारी वाले रोगियों में कार्निटाइन की कमी का इलाज करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करता है और कोशिकाओं के कायाकल्प में मदद करता है। एल-आर्जिनिन असल में एक अमीनो एसिड ही है जो हमारे खून में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है। ये हमारे शरीर के हर हिस्से में खून के बहाव को तेज करता है। यानी जिन लोगों के शरीर में ब्लड फ्लो धीमा होता है उनके लिए ये काफी फायदेदार है। ओमेगा-3 फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है और हृदय के स्वास्थ्य में सुधार करता है। स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा और दृष्टि में सुधार करता है। सेलेनियम डाइऑक्साइड ये हृदय रोग के जोखिम को कम करता है, संज्ञानात्मक स्वास्थ्य का समर्थन करता है, एंटीऑक्सीडेंट लाभ प्रदान करता है, कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है, थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करता है। कोजिम Q4 कैप्सूल डॉक्टर इन कंडीशन में प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे हृदय रोग के इलाज में, प्रजनन संबंधी समस्याएं के इलाज के लिए डॉक्टर मेल पार्टनर को ये दवा प्रेस्क्राइब करते हैं, मधुमेह के नियंत्रण में, उच्च रक्तचाप के इलाज में और हड्डी से संबंधित विकारों सहित विभिन्न बीमारियों के रोकथाम के लिए। पैकिंग की बात करें तो गाइस ये दवा 10 कैप्सूल के एक स्ट्रीप होता है और एक स्ट्रीप की प्राइस है ₹1250। कोजिम Q4 कैप्सूल के खुराक अपनी डॉक्टर की सलाह अनुसार ही ले। आमतौर पर एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को भोजन के बाद लेनी है। कोजिम Q4 कैप्सूल के सेवन से कभी कभी आपको मतली, उल्टी, दस्त और पेट खराब होने जैसे सामान्य दुष्प्रभाव का अनुभव हो सकता है। इन दुष्प्रभावों के लिए चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है और ये समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। हालांकि यदि ये लक्षण बने रहते हैं या बिगड़ जाते हैं तो कृपया तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लें। यदि आप कोई अन्य दवाएं या पोषण संबंधी पूरक ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करने। असामान्य लक्षण या एलर्जी प्रतिक्रिया का अनुभव होता है तो कृपया उपयोग बंद कर दें और तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श लें। यदि आप गर्भवती हैं या गर्भधारण करने की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को पहले से सूचित करें। किडनी, लिवर और हार्ट की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अपनी डॉक्टर से बात करके ये दवा लेनी चाहिए। तो फैंस, आशा करती हूँ ये वीडियो काफी यूजफुल होगा। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।